नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताते हुए मंगलवार को कहा कि मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसे पार्टी सुप्रीमो के संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना भाजपा और उसकी नीतियों का समर्थन करना है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है और पिछले 24 घंटे के दौरान ब्रेंट क्रूड का भाव करीब $3 गिर गया है। इसका असर बुधवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर दिखा और आज कई शहरों में तेल सस्ता हो गया है। हालांकि दिल्ली मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में आज भी पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बदले हैं। पीएमसीएच में दिल का इलाज कराने आ रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। एजियोग्राफी, एनजीओ, प्लास्टिक और पेसमेकर के मरीजों को अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल के हृदय रोग विभाग के अंतर्गत यहां कैथ लैब की सुविधा बहाल होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना को सशस्त्र बलों के लिए बाजी पलटने वाली योजना बताया है और कहा है कि इससे देश को सुरक्षा एवं समृद्ध दो तरह के लाभ है। श्री सिंह ने अग्निवीरों के लिए सेवा के दौरान शिक्षण प्रशिक्षण तथा उनके कौशल प्रमाण पत्र देने के विषय में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों के बीच सहमति के करार के आदान प्रदान के लिए आयोजित कार्यक्रमों में कहा कि अग्निवीर न केवल राष्ट्र के सुरक्षा वीर है बल्कि समृद्ध वीर भी है जो देश की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं। नए साल में बिहार में सत्तारूढ़ सहयोगी दल और राजद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसका एक उदाहरण मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कार्यक्रम में सामने आया। नीतीश कुमार की पसंदीदा परियोजनाओं में से एक जनजीवन हरियाली योजना की चौथी वर्षगांठ सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई थी, लेकिन राजद कोटे के कोई मंत्री इसमें मौजूद नहीं थे। सरकारी कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड के ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया। जनवरी से मार्च तिमाही के लिए जीपीएफ की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इससे पहले तीसरी तिमाही में भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ था और तब भी सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं लिया है। सरकारी कर्मचारियों को अब चौथी तिमाही में भी ब्याज 7.1% ही दिया जाएगा। बिहार मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड रफ्तार पकड़ सकता है। 7 जनवरी से प्रदेश के कई जिलों के शीतलहर की चपेट में आने का अनुमान है। ठंडी व बर्फीली हवाएं पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए मैदानी हिस्सों में पहुंचेगी, जिससे गलन के साथ ठंड बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर होटल बिल, पुरानी मोटरसाइकिल बिल, मंडी के पुराना बिल वायरल होते रहते हैं। कुछ ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। चलिए आज आपको एक ऐसी बिजली का बिल दिखाते हैं जो 83 साल पुराना है। बिजली का बिल काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के आंखें चौकाचौंध हो गई। बिल जो पूरे एक महीने की बिजली आपूर्ति का उपयोग करने के लिए बिल राशि के रूप में 5 रुपए दिखाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा और नोटिजन्स ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया। बिहार में पेपर लीक का मामला फिर गर्मा गया है। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया। छात्रों ने पटना के डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया। इसके बाद बीएसएससी सीजीएल पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने डाक बंगला चौराहा से प्रदर्शनकारियों को लाठियां बरसा कर खदेड़ दिया। अभ्यर्थी बीएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 175 नए मामले सामने आए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,750 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। साप्ताहिक सकारात्मक दर वर्तमान में 0.12% है, जबकि दैनिक सकारात्मक दर 0.09% है। बिहार में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस तरह से हर एक चुनाव लड़ रही है और मुस्लिमों को यह खेमा यह जानते हुए भी AIMIM उम्मीदवार वोट दिया है कि उसके जीतने के आसार नहीं है। इसके चलते महागठबंधन को नुकसान और बीजेपी को सीधे फायदा पहुंचा। गोपालगंज और कुढ़नी की तरह आगे भी मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न जारी रहा तो 2024 के चुनाव में महागठबंधन का सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है, क्योंकि 3 से 5 हजार वोटों का अंतर हार जीत के लिए काफी है। NCLT ने गूगल को CCI की ओर से लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने का 10% जमा करने का निर्देश दिया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कथित उल्लंघनों के लिए CCI के 1,337 करोड़ रुपए के जुर्माने को चुनौती देने वाली गूगल की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ट्रिब्यूनल ने CCI को नोटिस जारी कर गूगल की याचिका पर जवाब मांगा है। NCLT ने याचिका को स्वीकार करते हुए गूगल को बोनाफाइड दिखाने के लिए जुर्माने का 10% जमा करने को कहा। इस बीच ट्रिब्यूनल ने गूगल पर CCI के दंड आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इन दिनों बिहार में नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं RJD का संकट बीमार लालू प्रसाद यादव तक सिंगापुर पहुंच रहा है। कांग्रेस के भक्त चरणदास बीजेपी पर भड़के हुए हैं और नीतीश कुमार समाधान तलाशने गांधी की सत्याग्रह की धरती चंपारण से यात्रा शुरू कर रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा बिहार दौरे पर पहुंचे और मुजफ्फरपुर में जनसभा भी की। इसके साथ ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
दिसंबर में सर्विस सेक्टर पीएमआई 6 महीने के सबसे उच्च स्तर पर आ गई है। एक सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। इसके अलावा इस सर्वे में यह भी जानकारी मिली है कि प्राइवेट सेक्टर आउटपुट की ग्रोथ लगभग 11 महीने के उच्च स्तर पर आ गई है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विस परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के मुताबिक ये आंकड़ा आया है और इसका डेटा में देश के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की तेज रफ्तार साफ दिखती है। भारत में अब जल्द ही चीन और जर्मनी की तरह हाइड्रोजन ट्रेनें चलने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल के अंत तक देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। रेलवे दिसंबर तक अपने नैरो गेज धरोहर मार्गों पर हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनों की शुरू करेगा। ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी। एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में नशे में धुत एक शराबी ने दूसरी सीट पर बैठी महिला पर टॉयलेट कर दिया। इस घटना के बाद महिला ने फ्लाइट के केबिन क्रू से उस व्यक्ति की शिकायत की, लेकिन केबिन क्रू ने कोई कार्रवाई नहीं की और पेशाब करने वाले यात्री आसानी से बचकर निकल गया। मामले में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को शिकायत पत्र भेजा। इसके बाद एयर इंडिया ने मामले में जांच शुरू की। हम सभी अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए कई तरह की सेविंग स्कीमों में निवेश करते हैं। नौकरी के दौरान ही कई लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार एक स्कीम चलाती है। इस स्कीम में एक बार निवेश कर कोई भी व्यक्ति हर महीने अपने लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकता है। सरकार की इस स्कीम का नाम व्यय वंदन योजना है। इस स्कीम में पति पत्नी दोनों एक साथ निवेश कर सकते हैं। एसी कोच में चलने वाले यात्रियों को सुविधा देने का रेलवे का बहाना, जनरल और स्लीपर कोच में यात्रा करने वालों पर भारी पड़ रहा है। एसी कोच अधिक लगने से अधिक पैसा खर्च करके यात्रा करने वालों को राहत मिल रही है। रेलवे की कमाई भी हो रही है, लेकिन कम पैसे खर्च कर यात्रा करने वालों का ट्रेन का सफर मुश्किल भरा हो गया है। जनरल के कम कोच लगने से उन्हें जैसे तैसे बुरे हालात में यात्रा करनी पड़ रही है। कईयों को यात्रा रद्द कर देनी पड़ रही है। पुरानी दिल्ली के बारे में जानकारियों का भंडार रखने वाले और दिल्ली शहर के इतिहास पर काम करने वाले लोगों को किताबें और जानकारियां देने वाले अब्दुल सत्तार का मंगलवार को निधन हो गया। दरअसल जो लोग सत्तार को जानते थे वे उन्हें किताबों की प्रेमी कहते थे। सत्तार उस शहर के बारे में किताबें इकट्ठा करते थे जहां वो पले बड़े थे। वहीं अगर किसी को जरूरत होती तो सत्तार दिल्ली के ऊपर लिखी गई किताबों को उनके साथ साझा करते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दिल्ली से BRO की तरफ से निर्मित 28 बुनियादी ढांचा परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया और उसे राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें खौर उपजिले कपागला रोड पर मन्ना ब्रिज भी शामिल है। इसको 57 RCC 35 BRTF द्वारा बनाया गया है। यह 35 MPSSC बॉक्स कटर पुल है। इसके उद्घाटन के दौरान स्थानीय लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का BRO और सांसद जुगल किशोर शर्मा का धन्यवाद किया। शाहरुख खान नए साल को लेकर जितने एक्साइटेड हैं उनसे कहीं ज्यादा उनके फैंस एक्साइटेड हैं। शाहरुख लंबे अंतराल बाद 25 जनवरी को फिल्म पठान लेकर आ रहे हैं। इन दिनों वे फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। वहीं उनके फैंस फिल्म को अपने अंदाज में प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग पर भले ही विवाद हुआ हो, लेकिन फिल्म के दूसरे गाने झूमे जो पठान लोगों को खासा पसंद आया है। अब इस गाने के साथ एक फैन ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती शक्ति की जमकर तारीफ हो रही है। जापान की एक मीडिया कंपनी ने दावा किया है कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है, साथ ही भारत दुनिया की तीसरी शक्ति के रूप में उभरने वाला है। इस रिपोर्ट में चीन और अमेरिका के बारे में भी बात की गई है। जापानी मीडिया कंपनी निक्केई एशिया के प्रधान संपादक सिगे साबुरो ओकुमुरा ने अपने एक लेख में कहा है कि 2023 को भारत के दुनिया के तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके कारण उन्हें बुधवार यानी आज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के कारण भर्ती कराया गया है। वहीं न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है, जिसके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा हॉस्पिटल में मौजूद है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। जहां बीजेपी ने एक एक करके सभी राज्यों में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है, तो वहीं कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हर राज्य में पहुंच रही है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में चुनावी इतिहास दोहराने के लिए बीजेपी अभी से जुट गई है। राज्य में जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी एक दर्जन भर से अधिक सभा इस महीने से लेकर अगले साल फरवरी तक करेंगे। अग्निवीर बनने वाले युवाओं को स्नातक की डिग्री देने के लिए इग्नू के साथ तीनों सेनाओं ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब उम्मीदवारों को आसानी से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल सकेगा। इससे अग्निवीरों का भविष्य और करियर सुरक्षित हो सकेगा। 3 साल का कोर्स खास तरह का होगा। इसमें स्किल ट्रेनिंग के आधार पर अग्निवीरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ड्यूटी के दौरान अग्निवीर अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे। विंटर ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बागपत के मावी कला से शुरू होकर बढ़ौत होते हुए शामली जाएगी। तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी की। इससे पहले राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनकी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया था।
डीएमआरसी के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर कस्टमर केयर ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले दो कर्मचारियों को स्मार्ट कार्ड बेचते हुए पकड़ा है। इसमें से एक कर्मचारी डीएमआरसी का और दूसरा आउटसोर्स एजेंसी का है। पिछले कुछ दिनों से उनके खिलाफ शिकायत मिल रही थी। अधिकारी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 बैंकों पर जुर्माना लगा है। इन बैंकों ने केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए नियमों का पालन नहीं किया था, जिस कारण से इन पर 8,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। ये सभी सहकारी बैंक है जो देश के अलग अलग हिस्सों में वित्तीय सेवाएं संचालित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बघाट शहरी सरल सहकारी बैंक और कर्नल आरडी निगम सैनिक सहकारी बैंक पर पेनल्टी लगाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को विंध्य क्षेत्र में मिली जबरदस्त हार से सपा कांग्रेस ने सबक लिया है। कांग्रेस सभी से यहां के लोगों को साधने में जुट गई है। गुरुवार को कमलनाथ इस क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन करने जा रहे हैं। यहां पर इस वर्ग के वोटर बड़ी संख्या में है। सबसे पहले उन्हें साधने का काम किया जा रहा है। इस बार कांग्रेस यहां पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। त्योहार और लगन का सीजन समाप्त होते ही परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। खरमास में घाटे से उबरना निगम के लिए चुनौती बन गया है। रोडवेज की बसों में लोड फैक्टर 10-15% कम हो गया है, जबकि बस में नियमित तौर पर 50% से कम यात्री मिलने पर बस सेवा बंद हो जाती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, स्पंदना, चिंटू, रविशंकर, रविशंकर, अखिलेश यादव, अनवर करीम खान, नयन प्रकाश यादव, प्रभास कुमार, रेणु देवी, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद नौशद राजा, मुकेश कुमार, प्रदीप कुमार, अविनेश कुमार, कौशल कुमार झा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा भोजपुरी कलाकार कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।